हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है मंडे और मेरा फास्ट होता है, तो मैंने सोचा आज मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन चल रहा था मैं मंदिर नहीं गई थी। तो आज मंदिर आई हूँ जल वगैरह चढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी चीज़ कि हमारे इधर एक रिवाज है, ये आता है शादी में, तो इसको भी स्थापित करना था। एक्चुअली में होता क्या है, इधर ये रिवाज है नहीं और हमारे इधर ये रिवाज है। तो हमारे इधर तो पूजा वाले स्थान में इसे रखा जाता है, लेकिन यहाँ रिवाज नहीं है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसे पीपल के पेड़ के नीचे लगा लो, तो हम आ गए हैं, तो वही करने आए हैं। और मंदिर में जल वगैरह चढ़ा लिया है, पूजा कर ली है। और ये है मंदिर, ये है मंदिर, ये शिव का मंदिर है। और यहाँ पे शेड बना हुआ है कीर्तन वगैरह और बैठने के लिए। इधर से एंट्री है, यहाँ पे नल है, इधर बाबा जी रहते हैं। और यहाँ नीचे ही एंट्रेंस में पीपल का पेड़ है, तो मंदिर के अंदर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर नंदी भगवान विराजमान है, गणेश जी, हनुमान जी, तो ये तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस त्रिशूल के बारे में दी थी वो क्लियर नहीं आई, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जो ये त्रिशूल होता है हमारे इधर शादी में, मतलब लड़की वाले देते हैं, और होता क्या है कि ये जो तीन वो होते हैं ना त्रिशूल के ऊपर, तो वो सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और ये जो नीचे दिया होता है उसमें दीपक जलाया जाता है, तो माना जाता है उस पर दीपक जलाओ तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, तो यही इसकी मान्यता है। इसके अलावा दराती भी आती है एक, जो कि मतलब उस टाइम पे, मतलब शादी के टाइम पे रक्षक बन के साथ जाती है दुल्हन के। और इसके अलावा इसकी कोई और वो नहीं है, तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी क्या है कैसा है। तो फिर जो लेके आए थे दादाजी, तो हमने उन्हीं से पूछा कि इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि घर में स्थापित किया जाता है, लेकिन अगर कोई आपत्ति है तो आप लोग इसे किसी मंदिर में लगा के आ जाए। तो हम यहीं आ गए पीपल में। तो फ्रेंड्स, यही था इसका रीज़न, और आप बताएं मैंने ये सही किया या गलत किया, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और ये यहाँ का पीपल का पेड़ है, छोटा सा ही है, अभी नया नया लगा हुआ है, तो यहीं पे लगा रहे हैं हम। तो इसे हम पहले गंगा जल से धोएंगे, अच्छे से धो रहे हैं, बस दिया मत भिगाना, ठीक है, बस हो गया हो गया। तो आजकल मिट्टी गीली है तो लग चुका है, अब इसमें दिया जलाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग, और जल्दी हम आपको मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।